कांग्रेस एक एक्सीडेंट की तरह मुझे मजबूरी में लड़ना पड़ा क्योंकि मेरा टिकट भारतीय जनता पार्टी से हो गया था और हो गया था लोकसभा का टिकट पट्टी चल गई सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ लोकल स्तर के नेताओं की राजनीति और विरोध से मेरा टिकट कट गया क्योंकि मेरे ऊपर आरडीएक्स रिमोट बम से हमला हुआ था। क्यों हुआ था बम से हमला? आज हम देश से 12,000 किलोमीटर दूरी पर आपके इस चैनल पर बैठे हैं। आपने बहुत दुनिया देखी, बहुत नेताओं का इंटरव्यू लिया है आपने, बहुत शख्सियत का इंटरव्यू लिया है आपने, तो आप ये सोचिए कि इतना बड़ा बम ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों होता है जिसकी खानदानी दुश्मनी चली आ रही हो कि भाई 10 उसके मर गए, पिक्चरों में दिखाते हैं भाई चली आ रही है दुश्मनी, 5 उधर से मर गए, 10 इधर से मर गए, अब ये और किसी को ना मार रहे इसलिए बम से उड़ा दो। हम क्या है, हम बनिए हैं, हम लोगों को हाथ जोड़ते हैं, हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, हम किसी भी शादी विवाह में किसी बेटी की शादी होती है तो ये सोचते ही नहीं बेटी मेरी बेटी रिश्तेदार, हंडा अपराध बाल्टी लोटा जग साड़ी ब्लाउज पेटी कोट गुड़ चावल देते, हमारी किसी से क्या दुश्मनी जो मुझे रिमोट बम से उड़ा दे, उसमें 2 लोग मारे जाए, एक इंडियन एक्सप्रेस का सीनियर जर्नलिस्ट मारेगा, एक गाय एक कुत्ता और एक गनर सिविल गनर, और मैं शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा था मंदिर में, थैंक्स करता हूँ भगवान का, तो मेरे ऊपर इतना बड़ा बम ब्लास्ट क्यों हुआ? बम ब्लास्ट इसलिए हुआ कि हम लोगों की मदद करते हैं, ये इनको ख़त्म कर दो समाप्त कर दो कि आगे ये लोगों की मदद ना कर पाए, तो इसलिए मेरे ऊपर इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। तो अगर मैं जिस समय मेरा टिकट हो करके भी लोकल पॉलिटिक्स की वजह से टिकट कट गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ता तो मैं जीवित कैसे रहता? मेरे लोग कहाँ जाते? वो किसी के साथ जुड़ जाते तो मेरा जो मेरा वो है तो वो रह जाता, इसलिए मुझे मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। तो और मैं शुरू से मनक्रम वचन से मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और नंदी जी, ऐसा है कि आपकी सारी बातों के साथ में एक विशेष प्रकार की आभा सी आती हो और प्रभावित हमारे दर्शक भी हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ अब। लेकिन ये वाली जो बात है इस पर शायद आप उत्तर दें या न दें, पर जब कोई भी मनुष्य ये कहता है कि मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा तो ऐसा लगता है नहीं इसमें कुछ और परतें होंगी, पर हम उन परतों की तरफ जाएं कि ना जाएं? नहीं नहीं, आप परतों की तरफ जितना मर्जी जाएंगे परत छीलते जाइएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ जी, सच्चाई है ये कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो जिन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया था वो क्या बैठते शांति से क्या? तो मैं चुनाव लड़ा, मेरे साथ इतने सहयोगी इतने समर्थक हैं, इसलिए मैं जीवित हूँ। अच्छा देखिए नंदी जी, जो पत्रकार के रूप में बैठे होते हैं उनके पास कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब ये प्रश्न जो इसका मैं आपको उत्तर इसलिए मांगूंगा क्योंकि वो बड़ी बहस की बात हो जाएगी या बहुत अधिक उसमें विश्लेषण करना पड़ेगा, पर आप जो कह रहे हैं तो उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी की सुरक्षा तो हो ही नहीं सकती भारत में, तो अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आपको जो असुरक्षा का भाव है उसका कोई प्रतिकार व्यवस्था में नहीं है। अब देखिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से नरेंद्र मोदी जी इस भारत की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हुए हैं तब से उनकी रीति उनकी नीति भारत की सीमाएं सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में केवल और केवल गुंडा राज, पुलिस के अधिकारी को बोनट पे बैठाल करके घुमाना, उनके पीछे कोई विजन नहीं, केवल हमारा परिवार में 28 साल 25 साल का बेटा कैसे हो जाए उसको सांसद विधायक और जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दें, अपने परिवार को कैसे बढ़ा लें, 100 करोड़ की कोई सड़क है तो उसको 200 करोड़ का कैसे बढ़ा दे, 500 करोड़ की सड़क है तो उसको 1000 करोड़ का DPR बनाकर किसी अपने व्यक्ति को दे दें ताकि वो पैसा कमा ले और कमीशन आ जाए। बसपा में भी मैंने भी पीछे भी कहा फिर से दोहराता हूँ, कोई विजन नहीं, हॉस्पिटल आ जाए, इंडस्ट्री आ जाए, सड़कें अच्छी हो जाएँ, लोग सुरक्षित हो जाएँ, ये नहीं था ये दोनों सरकारों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज लोगों का विश्वास जगा है। अभी
हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का MOU हुआ, और विद इन 6 मंथ आप विश्वास करिए कि ऐसा उत्तर प्रदेश के लोगों में विश्वास बढ़ा है देश दुनिया का कि वहाँ पर 61,000 करोड़ की ग्राउंड सेरेमनी होगी। क्यों हुआ ये? क्योंकि वो गुंडे, वो अपराधी जिस तरह से लूटते थे उन पर नकेल कसी गई है और कानून का राज स्थापित किया गया है कानून के द्वारा। आज पश्चिम में चले जाइए, आपके लोग होंगे, जानने वाले यहाँ के बहुत सारे लोग होंगे, पूछिए तो लोग कहते हैं इतना सुख शांति कभी थी ही नहीं। आप देखते हैं कानून को लेकर, सुरक्षा को लेकर के इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं।